नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए बहुत ही बड़ी जानकारी मैं लेके आया हूँ। आपने देखा ही है कि एसएससी के द्वारा स्टेनो के जो पोस्ट है उसकी जो वैकेंसी है फॉर्म फिलिंग आज से चालू हो गई है। कैलेंडर में उसने बता दिया था और आपके अगस्त महीने में 20 अगस्त से इसका फॉर्म भरना चालू हो गया है। तो अब इस पूरे वीडियो में हम लोग संपूर्ण जानकारी समझेंगे कि एसएससी स्टेनो का पेपर होता क्या है, क्या पूछता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है और साथ में ही इसकी तैयारी कैसे होती है, तैयारी होने के बाद सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बाद आपका स्टेनो के डिटेल्स, स्टेनो कहाँ से तैयार करें, तैयार तो प्रैक्टिस कैसे करें, उसके बाद फिर अगर आपका जॉब हो जाता है तो आपका प्रमोशन कैसे होगा, लग जाती है कहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी और आपकी सैलरी क्या बनेगी, तमाम सारी चीजों को लेके एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यदि चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे वीडियो में हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे, एज के बारे में जानेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे, स्टेनो के बारे में जानेंगे, टोटल पोस्ट के बारे में जानेंगे, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या मिलती है, जॉब प्रोफाइल और कट ऑफ पिछले वर्ष का क्या गया था और इस बार अगर आपको क्लियर करना है तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे सारी जानकारी लेंगे। चलिए आइए देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे अभी जो एसएससी का आज नोटिफिकेशन आया है उसमें जो डिटेल दिया हुआ है, जो उसने नोटिस दिया हुआ है, नोटिस बोर्ड पे लगाया हुआ है, उसमें दिया है पूरी जानकारी कि इसका जो लास्ट डेट है भरने का, पहली बात तो 20 तारीख से लेके आज 5 से 20 तारीख 20 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक आपका यहाँ पे फॉर्म फिलिंग चालू रहेगा। लास्ट डेट आपका 5/9/2022 के 11 बजे तक है। बाकी सारी चीजें आप इसे अच्छे से देख सकते हो कि ये आपका जो रहेगा कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान भी यही रहेगा। लास्ट पेमेंट जो है ऑनलाइन का वो 6 रहेगा आपका तारीख और सब कुछ 11 बजे तक ही है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 6/9/2022 है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, जो करेक्शन आप करा सकते हो 7 यानी एक दिन आपको करेक्शन का भी मौका देगा। ये सारी चीजें उतनी जरूरी नहीं है, अगर आप पहले ही फॉर्म भर लेते हो तो इनमें लास्ट टाइम के लिए आप दिमाग मत लगाया करो, आप केवल इस पे और इस पे ध्यान दिया करो। बाकी चीजें क्या है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी परीक्षा कब होगी, तो एसएससी अब थोड़ा सही चल रहा है अपने शेड्यूलिंग पे और नवंबर में इसकी परीक्षा हो भी जानी है। लगातार इसके जो परीक्षाएं हैं वो एसएससी के हो रहे हैं। तो स्टेनो का पद क्या होता है, कैसे होता है, क्या वैकेंसीज रहती हैं, सारी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये एक ऐसा पद है जहाँ पे देखा जाए कंपटीशन बहुत नाम मात्र का होता है। पूरा अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें और ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे 1500, 1700, 2000 पद आते हों उसमें से केवल आपके पास 5 से 6 लाख फॉर्म भरे जाएं तो यकीनन ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, कंपटीशन बहुत न्यूनतम माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म फिर भी लोग भर देते हैं लेकिन जो स्टेनो है जो एक अलग स्किल है वो सभी को नहीं आती। स्टेनो सीखने में क्या लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, एक एक साल दो दो साल बच्चे इसके अभ्यास करते हैं। तो यदि आपको अगर स्टेनो आता है तो बच्चों आप एकदम ये मत सोचो कि हमारा होगा या नहीं होगा, आप फॉर्म जरूर भरो। कोई इतना रुपया भी नहीं है, 100 रुपया जनरल का है, बाकी SC ST और महिला सबके लिए 0 रुपये निःशुल्क में है। तो रुपये भी आपके जेब से नहीं जाने हैं, केवल आपको पेपर दे आना है। अगर वैकेंसी की बात करें तो इस बार तो वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं किया है, टेंटेटिव वैकेंसी हर बार बताता है 2021-22 का जो है। यहाँ पे अगर हम 2022 की यहाँ पे चर्चा करें तो टेंटेटिव ही होता है, बट इस बार इसने टेंटेटिव भी नहीं बताया है तो अभी इसके बारे में यहाँ पे संपूर्ण जानकारी नहीं है। लेकिन अगर हम पिछले वर्षों का देखें तो 1464, 499 ये और 842 इस वर्ष में 2019 में कम रहा था, 2020 में भी कम रहा था, लेकिन क्योंकि लगातार पिछले 2 सालों से वैकेंसी कम आ रही है इस बार वैकेंसी ज़्यादा आने के चांस हैं और इस बार 1500 प्लस पोस्ट जो हैं एक्सपेक्टेड है। इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक ग्रेड डी होता है, एक ग्रेड सी होता है। सभी स्टेनो वालों बच्चों का मैं बता दूँ जो SSC की तैयारी में स्टेनो में करते आए हैं उनके लिए ग्रेड सी एक सपना होता है और थोड़ा सा यहाँ पे टप भी होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिटन एग्जाम दोनों का सेम ही होता है, केवल इनमें ग्रेड जो डी वाले होते हैं, ग्रेड डी सी वाले होते हैं, इनका जो होता है कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है और ग्रेड डी होते हैं इनका क्या होता है थोड़ा सा कम होता है। आप देख भी रहे हो कि ग्रेड डी सी में जो है वैकेंसियाँ थोड़ी कम होती हैं, डी में ज़्यादा होती हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कारण भी उसका है। ये आपका 2600 ग्रेड पे का होता है, इसमें कुछ पोस्ट 4200 के होते हैं, कुछ पोस्ट 4600 भी ग्रेड पे के होते हैं और सैलरी भी बहुत अट्रैक्टिव होती है, 50-50 हज़ार सैलरी मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टेनो मतलब आपके हाथ में बहुत बड़ी पावर। अगर आप किसी मंत्रालय में किसी उच्च अधिकारी के स्टेनो हैं
तो आपकी उतनी ही ताकत है लगभग जितनी सरकारी उस अफसर की है। ये बात समझिएगा, एक स्टेनो अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका जो काम होता है वो पीआरओ से रिलेटेड होता है, वो सीधा ऑफिसर का दाहिना हाथ का काम करता है, वो हर जगह पे जहां कोई ऑफिसर होते हैं उनके साथ वो खड़ा होता है, तो एक बहुत करीबी उनका होता है, सब कुछ उनका करने वाला एक उनका स्टेनो ही होता है, बहुत अच्छा पद होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम एसएससी के स्टेनो की बात करते हैं तो दिल्ली में आपको पोस्टिंग मिलती है, जब आप किसकी बात कर रहे होते हो, ग्रुप सी की बात कर रहे होते हो, और मंत्रालय में आपको मिलती है। इसमें कुछ पद जैसे आपके बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसके लिए सभी लोग ही परेशान होते हैं मंत्रालय में जो होता है, तो उसके लिए सभी का सपना होता है, आगे हम चलकर डिस्कस करेंगे। मैं इतना बता दूं कि हर साल पोस्ट कितना, इसमें फॉर्म कितने भरे जाते हैं, तो लगभग 4.5 से 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। इस बार बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 5.2 या 5.5 लाख मैक्सिमम भरा जाएगा फॉर्म, 1500 वैकेंसी के सापेक्ष बहुत कम फॉर्म है। और ये फॉर्म इसमें जो CHSL की तैयारी करता है वो भी अपनी तैयारी चेक करने के लिए, जो CGL की तैयारी करता है वो भी अपनी तैयारी चेक करने के लिए क्या करता है, यहाँ पे फॉर्म भर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो स्किल आपकी है स्टेनो की, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो वो अगर स्टेनो की बात करें तो इसमें मुश्किल से 1 से लेके 1.5 लाख बच्चों का जो रियल फाइट होता है यही फाइट होता है, और उसमें से आपका 1500 होता है, मतलब 10% आपका क्या होता है, केवल कंपटीशन होता है, 10 में केवल एक ही सीट आपको लेके आनी होती है, उतने के लिए ही मेहनत करना होता है। तो वन ऑफ द इजिएस्ट एग्जाम बोल सकते हो, कट ऑफ ग्रुप सी वाले की कुछ पोस्ट के लिए अच्छे जाते हैं, काफ़ी हाई भी गए हैं, लेकिन उसका कारण रहा है 2019-20 में वैकेंसी बहुत कम रही हुई है। 2018 में देखोगे तो काफ़ी कट ऑफ कम भी गया था, और अभी मैं इसके कट ऑफ की भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको किस किस विभाग में आपको मिलता है। तो जैसे ही आपको जब इसका फाइनल कट ऑफ भी निकलता है तो इन्हीं पोस्ट के आधार पर निकलता है, C1, C2, C3, C4। सी मतलब होता है ग्रेड सी वाला, ये जो होते हैं कुछ 4200 ग्रेड पे के होते हैं और कुछ 4600 ग्रेड पे के होते हैं, उनकी सैलरी भी 55,000-60,000 के आसपास पहुंच जाती है, इनिशियल सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। इनमें मिलता क्या है, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से मिलते हैं, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC जो होता है, बच्चों का यह सपना होता है, इनके तो चारों पोस्ट का ही सपना होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो सपना होता है बच्चे का वो होता है एक्सटर्नल अफेयर। हर एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा, चाहे सीजीएल का हो, चाहे आपका यहाँ पे क्लर्क लेवल पे हो या फिर स्टेनो लेवल पे हो, हर बच्चा इस मंत्रालय में बैठना चाहता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। बहुत पावर होती है, बहुत आराम की जॉब होती है, इसमें बहुत अच्छा प्रमोशन भी है, और यही कारण है इसकी कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा जाती है। तो अगर आप ये ड्रीम जॉब आपकी होनी चाहिए बट फिर भी ये नहीं करते हो, तो ग्रुप सी या डी में से कोई एक आप जॉब लेने में सक्षम हो जाओगे। डी में भी आप देख लो कौन कौन से हैं, सब वही जो सी में है डी में भी हैं आपके, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर BRO में है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट ये भी बहुत अच्छा है, CBIC हो गया, CBDT हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो गया, ऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ कोल बहुत अच्छा है, इलेक्शन कमीशन में सब जाना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सीधा PA होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में, तो ये सारे मंत्रालय हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यहाँ पे भी कट ऑफ आई जाता है, इसमें ग्रुप डी में भी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, NIA हो गया, नारकोटिक्स हो गया, और राजभाषा विभाग MHA TI, तो ये सारे ही पोस्ट आपके बहुत ही दमदार हैं। तो अगर इसमें आपको जॉब मिल जाती है बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसकी तैयारी जरूर करो। इसमें कुछ दो बेसिक पॉइंट है, वो आप देख लो कि वैकेंसीज फॉर ESM जो यहाँ पे आपके ESM होते हैं, है ना, वो ग्रुप सी पोस्ट पर केवल होते हैं, उनके जो रिलैक्सेशन मिलता है, और मेल जो कैंडिडेट हैं वो फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इन द बॉर्डर, जो ग्रेड डी में BRO की पोस्ट है उस पर केवल मेल भर सकते हैं, फीमेल नहीं भर सकती है, ये मेन कुछ जानकारी है। एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट जो ग्रुप सी के लिए है वो बच्चों 18 से 30 साल है, और 18 से 30 साल में आपका जो डेट कैलकुलेट होगा वो 2/1/92 से पहले नहीं और 1/1/2004 के बाद पैदा नहीं होना चाहिए। ग्रुप डी वालों का क्या होता है, केवल 18 से 27 होता है यहाँ पे, क्योंकि 2600 ही ग्रेड पे भी होता है, और इनका भी जो ये है क्या 1/1/2022 से लेके 2/1/95, ये ध्यान देना, यहाँ पे आपका 2/1/92 है और वहाँ पे भी 2/1/95 और यहाँ पे 1/1/2022 है, यहाँ पे आपका 1/1/2004 है, बस इतना ध्यान देना, ठीक है। ये हाँ आगे देख लेते हैं, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन
5/9/2022 मतलब ये लास्ट डेट है, उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, केवल 12th लेवल आपका पास होना चाहिए, बाकी आपको स्टेनो आनी चाहिए, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता स्टेनो का, आपको केवल क्या होना चाहिए, स्किल आनी चाहिए और उसका क्या होता है, एग्जाम होता है। आगे अगर देख लें इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम पैटर्न है। सबसे अच्छी बात है कि अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो यहाँ पे मैथ्स नहीं पूछी जाती है, पूछा क्या जाता है 50 क्वेश्चन का रीजनिंग पूछा जाता है, और रीजनिंग एसएससी की सबसे इजीएस्ट रीजनिंग में से बोला जाता है। अगर किसी अन्य राज्य स्तरीय जैसे यूपी ट्रिपल एससी वगैरह का टफ होता है, बट यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का टफ रीजनिंग होता है, बट बैंक का टफ होता है, बट एसएससी की रीजनिंग हमेशा एक ही पैटर्न में पूछती आई होती है और आसान होती है। इस 50 में से बच्चा 45 प्लस अच्छे से स्कोर करके आता है। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत वाली बात होती है, लेकिन क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो इतना रिलेवेंट नहीं पूछता, यहाँ पे भी आपके 30 प्लस अच्छे से स्कोर हो जाते हैं। और इंग्लिश में आपको थोड़ा सा एफर्ट पुट करना है, यदि आप इंग्लिश भाषी हो, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, तो ये फिर आपके लिए बहुत इजी है, और अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आपको केवल इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। और इसका मैं तरीका भी बता दूं कि केवल आप प्रीवियस ईयर अगर इंग्लिश पढ़ लिए, है ना, एसएससी के लिए केवल प्रीवियस ईयर इंग्लिश पढ़ लिए, तो इस 100 में से आप 80 प्लस स्कोर कर जाओगे। अब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, 80 नंबर कम नहीं होते, लेकिन अगर आपको प्रीवियस 7-8 साल 10 साल का, आप 2012 से लेके 13 से लेके या ना ज्यादा हो, आप जब से ऑनलाइन पैटर्न हुआ है 2016 के बाद से, 15-16 के बाद से लेके 2021 तक के एसएससी कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको अगर पढ़ लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप 100 में 80 प्लस करोगे। और अगर आप केवल ना इतना कर पाओ, केवल पिछले 3-4 साल का कुछ भी कॉन्सेप्ट आपका तैयार ना रहे, कुछ भी ना रहे, केवल आप इस पर प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो स्कोर यहाँ पे हो जाता है। और मैं कह रहा हूँ ये 80 प्लस तो जब आपको सारी चीज तैयार हो जाएगी, ना सारी चीज तैयार कर पाओगे तो भी 70 प्लस आप 100 में से अच्छे से स्कोर कर जाओगे, केवल अगर प्रीवियस ईयर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, ये चीज बार बार रिपीट होते हैं, है ना। उसके बाद आपका सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, पैसेज हो गया आपका, उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट हो गया, यहाँ से रिपीट होते हैं क्वेश्चन और यहाँ पे डुएबल होते हैं, आसानी से कर सकते हो। और अच्छी बात है यहाँ पे नरेशन और एक्टिव पैसिव भी पूछता है, तो यहाँ पे और अच्छे से जो ग्रामर वाला पोर्शन है वहाँ पे आप कर सकते हो। केवल 2 पोर्शन में आपके नंबर थोड़ा सा कटते हैं, एक आपका एरर डिटेक्शन में थोड़ा दिक्कत होती है और कई बार आपके फिलर में दिक्कत होती है। तो 50 में से एरर डिटेक्शन के 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 2-3 आपके सही हो ही जाएंगे, और अगर आप फिलर में से 10 क्वेश्चन में से 2-3 आप केवल नहीं कर पाते हो, 5 नहीं कर पाते हो, तो आपके ओवरऑल कितने 14-15 क्वेश्चन केवल नहीं कर पाओगे, बाकी आप 100 में से जो 85 क्वेश्चन में से कर लोगे, और 85 में से अगर एक्यूरेसी अच्छी रही तो 70 प्लस अच्छे से स्कोर भी कर सकते हो। तो आपकी स्ट्रेटजी भी कुछ ऐसी होनी चाहिए, 70-30, 100 और 145, और अगर 200 में से आप 145 ले आए तो आपको आपका ड्रीम जॉब भी मिलने के कगार पे पहुंच जाओगे। ये बात है कि यहाँ पे केवल इसी पेपर के आधार पे मेरिट बनती है, 1/4 निगेटिव भी होती है, इसमें केवल स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग होता है जो कि आपका डिक्टेशन बोला जाता है पहले, और उसके बाद फिर उसे कंप्यूटर पे आपको क्या करना रहता है, टाइप करना रहता है। तो पहले आपको उसका भी मैं जानकारी आगे देता हूँ, तो लेकिन सिलेबस एक बार देख लो, सिलेबस में रीजनिंग में क्या है, वही क्यूब्स एंड डाइस, डिसीजन मेकिंग, एम्बेडेड फिगर, और आपका यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, नंबर रैंकिंग, क्लॉक्स, कैलेंडर, मिरर इमेज, अरिथमेटिकल रीजनिंग और डायरेक्शन, इनसी क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे ही अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में यहाँ पे आप कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा पढ़ो, आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ो जो कन्वेंशनल विषय में है, कन्वेंशनल विषय में आप मॉडर्न इंडिया पढ़ो, है ना, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये अभी थोड़ा सा जीए वाला पार्ट पूछता है, लेकिन मैं अगर हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न इंडिया पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा रहता है मॉडर्न हिस्ट्री। बाकी करंट इवेंट अच्छे से पढ़ो, ज्योग्राफी में केवल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो, ठीक है ना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स या पॉलिटी एक ही चीज़ है। साइंस में थोड़ा सा आपको केवल बायो पढ़ने में ज़्यादा रुचि होनी चाहिए, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में आपको बता ही दिया, तो ये अगर आप पढ़ते हो, बाकी आपके जनरल अवेयरनेस अच्छे, जीए प्लस अगर आपका करंट अच्छे से स्ट्रांग है तो आप 50 में से कम 25 प्लस तो बहुत अच्छे से स्कोर कर लोगे। फिर आपका पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और मॉडर्न इंडिया तैयार है तो आपके 15 क्वेश्चन और अच्छे से हो जाएंगे, मतलब आप 40 प्लस 50 में केवल इतने विषय में कर लोगे, अपना जनरल अवेयरनेस स्टैटिक वाला पार्ट और करंट और पॉलिटी, केवल पॉलिटी में भी 1 से 100 तक आर्टिकल केवल अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप इंडियन ज्योग्राफी में केवल आपका पॉलिटिकल इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल मत ज़्यादा पढ़ो कि इंडिया की स्टेट बाउंड्री कितने से जा रही,
रही है, कितने से सीमा साझा कर रही है, कौन सी अक्षांश रेखा लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड कहाँ से जा रहा है और कितना सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला स्टेट है इंटरनेशनल, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लो। यहाँ पर आपकी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी, बाकी रिवर्स हो गए और आपका प्लेटू हो गए और आपका क्या हो गया ड्रेनेज सिस्टम हो गया, फिर आपका हिल हो गया, दर्रे हो गए, इतना अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपकी ज्योग्राफी इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही आपका मॉडर्न इंडिया में अगर आप ज्यादा नहीं 1857 की क्रांति और 1600 के इर्द गिर्द दो चीजें अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपकी हिस्ट्री भी अच्छे से कवर हो जाएगी। तो ये स्कोर आपका अच्छे से आ सकता है, लेकिन अगर आपको फुल अपॉन फुल करना है तो अच्छे से तो पढ़ना पड़ेगा, बट जीएस में आप उतना परेशान मत हो क्योंकि जीएस में स्कोर किसी का ज्यादा नहीं उठता। आपको रीजनिंग में स्कोर उठाना है, इंग्लिश में स्कोर उठाना है और जीएस को जनरल केवल करंट और जीए बहुत अच्छे से तैयार कर लो और कन्वेंशनल के मेन मेन पार्ट तैयार कर लो तो आपके स्कोर अच्छे हो जाएंगे। इंग्लिश में कंप्रेहेंशन होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक्टिव पैसिव होमोनिम्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स स्पेलिंग पार्ट ऑफ स्पीच वोकैबुलरी डिटेक्शन ऑफ मिसस्पेल्ड वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच से हो गया और टेंसेस से हो गया, इससे आपके एरर डिटेक्शन और फिलर होते हैं। बाकी मैक्सिमम वोकैब ही होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया और बाकी आपका इडियम फ्रेजेस हो गया। कट ऑफ की बात करें तो यहां पे आप कट ऑफ एक बार देख सकते हो कि यहाँ पे जो 2020 का कट ऑफ गया था वो ग्रेड सी के लिए कितना गया था, 146 गया था। मैंने आपको बताया देखो 140 प्लस आप बहुत इजिली कर पा रहे हो और अगर अच्छा कर लोगे तो यहाँ पे आपका और बेहतर हो जाएगा। और ये ग्रेड सी के लिए, ग्रेड डी का कट ऑफ कम जाता है, 131 पिछली बार जाता है गया था और वैकेंसी कम थी, अगर वैकेंसी ज़्यादा हुई तो ये कट ऑफ थोड़ा नीचे आएगा, इस बात को समझना। कट ऑफ डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है, इस पर डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया है और इस पर डिपेंड करता है कितने बच्चे पेपर में अपीयर हो रहे हैं। तो अपीयर होने वाले बच्चे तो उसमें कमी नहीं होगी, पेपर का लेवल वो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन वैकेंसी इस बार थोड़ी सी ज्यादा होगी, ये क्लियर है। तो यहां पे आपके कट ऑफ थोड़े नीचे जाएंगे, मतलब अगर आप टारगेट रखते हो, हालांकि टारगेट तो टॉप रखने का ही रखो, बट फिर भी अगर 150 आप अच्छे से स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ जोन पे रहोगे। 160-170 अटेम्प्ट करके आओ, 145-150 अगर नंबर आ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट वन जॉब मिल जाएगी, ये भी गारंटी की बात है। हम देखें पोस्टिंग कहाँ पे होती है इसकी, तो पहले उसके देख लो कि इसमें जो पे स्केल है वो 9334,800 है, 4200 से 4600 ये ग्रुप सी वाले पोस्ट के लिए है और इसमें भी एक्सटर्नल अफेयर के लिए बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है। उसके बाद इनिशियल सैलरी 5200, ये बेसिक 14500 और सब डेयरनेस अलावेंस हो गया, सारे अलावेंसेस लगने के बाद जो शहर दिल्ली में होते हो तो ग्रुप सिटी एक्स और सिटी वाई के हिसाब से जो अलावेंसेस लगते हैं, इसमें पहली ही सैलरी आपका 55,000 प्लस बनती है, ये ध्यान देना 55,000 प्लस आपकी स्टार्ट होती है स्टेनो की। और ये ग्रुप बी नॉन गेस्टेड पोस्ट में गिना जाता है। अगर ग्रुप डी की बात किया जाए इसमें, तो इसमें दो होते हैं कि एक्स स्टेनोग्राफर और एक वाई। एक्स स्टेनोग्राफर वाले क्या होते हैं, इन्हें मिनिस्ट्रीज मिलती है और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मिलते हैं, इनकी पोस्टिंग बेसिकली दिल्ली में ही होती है। ग्रुप सी वाले तो सारे ही दिल्ली में होते हैं, और अगर इनकी बात किया जाए तो यहाँ पे दिल्ली में कौन कौन होते हैं, मिनिस्ट्रीज जो मंत्रालय होते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आपका क्या हो गया, आपका सीबीसी हो गया, आपका एक्सटर्नल अफेयर हो गया, आपका रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, इन सब में आपको मिलता है। और ग्रुप वाई जो है इसमें फॉर ऑफिसेज डिपार्टमेंट और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ जो सबॉर्डिनेट स्टेट होते हैं उनमें भी इनकी पोस्टिंग की जाती है, जो क्या होते हैं ग्रुप वाई वाले होते हैं। इनकी बेसिक पे क्या होती है 2600 होती है, इनकी भी सैलरी आपकी इनिशियल सैलरी 35,000 प्लस बनती है 40,000 तक, अब तो जो डीए है वो भी बढ़ गया है। ये एक सैलरी स्लिप लगी हुई है, यहां से आप देख सकते हो, यहां पे 4300 अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो जो सैलरी आपको दिख रही है 44,549 दिख रही है और ये पुरानी है। किस बेसिक पे, पे बेसिक डिबिट 7415 है। अगर इसमें हम बेसिक पे देखें तो अलावेंसेस वगैरह कितना अच्छा लगता है, देखो पे जो है 26,300 है, उसके बाद डीएनएस अलावेंस ये लगा हुआ है, एचआरए लगा हुआ है 2104, ट्रांसपोर्ट अलावेंस बहुत अच्छा मिलता है 1800, डीए और टीए 306 है, बाकी आपका 5260 हार्ड एरिया अलाउंसेस और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 4308 है। तो 45,000 से 50,000 मतलब बोल रहा हूं, अगर आपका उसमें जाओगे तो 55,000 इनिशियल बनेगा और इसमें अगर आप जाओगे तो भी आपका 40,000 के आसपास 35 से 40 के बीच में आपकी इनिशियल सैलरी बनेगी। सैलरी के लेवल में बहुत अच्छा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है बता दूं तो हेल्पिंग इन पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करने में, इसे हम पीआरओ ऑफिस से रिलेट करेंगे या पीआरओ से रिलेट करें। होता क्या है कि स्टेनोग्राफर जो होता है वो पब्लिक का और जो ऑफिसर होते हैं उनके बीच में एक ब्रिज होता है, तो कोई पब्लिक की डीलिंग हुई या कुछ ऐसा हुआ या कोई मीटिंग हुआ या कुछ भी हुआ तो उनके लिए सारी चीजें जो तैयार करने का काम होता है वो क्या करता है, वो एक स्टेनोग्राफर करता है। राइटिंग ट्रांसक्राइबिंग स्पीच, जैसे मंत्रालय में बहुत सारे जो मंत्री होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं, स्पीच उनका जो तैयार करना हुआ, कब क्या कैसे बोलना है कैसे, वो सारी चीज क्या होता है, वो स्टेनोग्राफर। इसलिए बोलता हूं कि जो स्टेनोग्राफर होता है अगर मंत्रालय में बैठा है तो वो उन मंत्री का, उस ऑफिसर का जो मेन होगा वो
उसका राइट हैंड होता है उतनी ही पावर होती है और सब कुछ उसे ही करना होता है। बोलते हैं कहावत में कि स्टेनो सारा काम स्टेनो करता है और साहब का काम होता है केवल चिड़िया बिठाना, मतलब वो केवल साइन करके चले जाते हैं, सारा काम स्टेनो ही करता है। तो बहुत अच्छी जॉब है, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू द मिनिस्ट्री है ना, जो मंत्रालय होता है उसमें असिस्टेंट प्रोवाइड करता है तरह तरह के। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग, जैसे क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट में, हर मंत्रालय में कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता रहता है, तो वहां पर वो अपने कोड में वो चीजें लिखते हैं और बाद में उसे मीडिया के सामने और मास मीडिया के सामने वो क्या करते हैं, उस चीज को प्रेजेंट करते हैं। तो इनका भी काम क्या होता है, स्टेनो का ही होता है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग काम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन बहुत रोचक इनका जो है वो जॉब प्रोफाइल है। तो ये मैं आपको शुरुआत से लेकर फॉर्म भरने से लेकर आपका लास्ट तक बता दिया हूं। आपको अब सबसे बड़ी बात आती है तैयारी कहां से करें, कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी अगर एसएससी स्टेनो की तैयारी करनी है तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो इंग्लिश का है, और उसके बाद आपका क्या है, रीजनिंग का है। तो रीजनिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल आप एसएससी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर को अच्छे से आप क्या करते रहो, आप प्रैक्टिस करते रहो, और इवन इंग्लिश में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपका है उसके बाद एसएससी के पीवाईक्यू कर लोगे तो यहाँ पे आपके 80 तक स्कोर बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। रीजनिंग में तो आप 50 में 45 प्लस करने का प्रयास ही करो, मतलब इन दोनों से 125 प्लस स्कोर करने का प्रयास करो, बाकी आप जीएस में जितना स्कोर कर ले जाओ वो आपका है। और वो आपको पढ़ना क्या है मैं आपको बता दूं, जीएस में करंट आप अच्छे से पढ़ो, आप अपना जीके अच्छे से, जनरल अवेयरनेस अच्छे से स्ट्रांग करो, आप मॉडर्न इंडिया अच्छे से तैयार करो, मॉडर्न हिस्ट्री, आप इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में भी इंडियन पॉलिटिकल ज्योग्राफी ये तैयार करो। बहुत ज्यादा मिनरल्स रिसोर्सेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कहानी मत पढ़ो। उसके बाद पॉलिटी में आप केवल क्या पढ़ लो, फंडामेंटल राइट पढ़ लो, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ लो, मनी बिल पढ़ लो, ज्वाइंट सेशन पढ़ लो, और फिर आप इसके अतिरिक्त प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, इतनी सारी चीज केवल पढ़ लोगे तो इतने में से ही एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आ जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बस जितना मैं बोल रहा हूं यकीनन इतना ही सुन लो, और इतना अगर आप पढ़ो सब कुछ लेकिन लास्ट टाइम में उसको बहुत सॉलिडली तैयार कर लो तो आपके स्कोर बहुत अच्छे हो जाएंगे और इतने स्कोर पे आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। मैं इतना कर सकता हूं बच्चों आपके लिए कि अगर देखो कुछ बच्चे होंगे पेड कोर्स से जुड़ना चाहेंगे तो कहीं जुड़ना चाहें वो बात अलग है, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो जो मैं बोला वही करो। इतना मैं आपको कर दे रहा हूं कि इंग्लिश के लिए मैं आपको अलग से एक वीओडी बैच अवेलेबल करवा दे रहा हूं, ठीक है ना, वीओडी क्लास अवेलेबल करवा दे रहा हूं, और ये बहुत ही न्यूनतम शुल्क में मात्र 299 रुपए में मैं वीओडी बैच इंग्लिश का, तो पूरा उसमें कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस एसएससी की प्रीवियस ईयर में आपको वहां पे अवेलेबल करवा दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। इतना ज्यादा कर लोगे तो आपका 80 प्लस आपका इंग्लिश में हो जाएगा, बाकी अलग के लिए भी आपको सारी चीजें बता दिया जाएगा। तो ये आप यहां से तैयारी कर सकते हो। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है ना, गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे और परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लो, यहाँ पे ये आपको ऊपर ही वीओडी बैच मिल जाएगा इंग्लिश का फॉर एसएससी स्टेनो। सीपीयू की भी वैकेंसी आप जो तैयारी करना चाह रहे हो वो भी उसी पे से तैयार कर सकते हो, या सीजीएल सीएचएसएल किसी की भी तैयारी कर लो तो इंग्लिश उसके लिए इसी में मोर देन सफिशियंट होगा, एसएससी के लिए स्पेशली आपका कराया जा रहा है। तो चलिए फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें, आपके सारे समस्या का समाधान यहाँ पे किया जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।